बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर शाफिक अदवाई साहब। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ सैयद सज्जाद हुसैन साहब से, जो सदर शुबे उर्दू मद्रास से डीन और डायरेक्टर भी हैं इंडियन लैंग्वेजेस के। मैं मुद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ सैयद सज्जाद हुसैन साहब से तशरीफ। साहिबान मजलिस सदारत, फाजिल मकाला निगारान, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपना मकाला 10 मिनट में मुकम्मल कर लूँगा और प्रोफेसर सग़ीर इब्राहिम को कोई चिट्ठी भेजने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। अर्ज़ किया है कि 21वीं सदी की साइंसी ईजादात और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों में इर्तिबात और इख्तलात रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए ज़रूरतन एक दूसरी ज़बान की एक दूसरे की ज़बान सीखनी पड़ती है और मुल्कियत में वो अफराद या तबके हमेशा मुमताज रहे जिन्होंने हाकिमों की ज़बान सीखने में सबकत की। हाकिमों ने भी महसूस किया कि अमन व इस्तेकाम के लिए सिर्फ जोर बाजू काफ़ी नहीं बल्कि अवामुन नास के दिलों को भी मुशक्कत करने की ज़रूरत है और इसके लिए महकूम कौमों की ज़बान और सकाफत से भी आशनाई ज़रूरी है। इस ज़मन में अजनबियत और मगायरत को कम करने के लिए तर्जुमों का बड़ा हाथ रहा है। ज़बान की लसानी व अदबी नशोनुमा और फैलाव में दूसरी ज़बानों के इल्मी व अदबी शहपारों के तराजम को ख़ास अहमियत हासिल है। तर्जुमों के ज़रिए ही दुनिया की कदीम व जदीद ज़बानों में फ़िक्री व नज़री मुमासिलत व हम आहंगी पैदा होती है और उनकी वसअत मज़ामीन और तामुख फ़िक्र के इम्कान रोशन होते हैं। उर्दू में तर्जुमों का आगाज़ दास्तानों, किस्से, कहानियों और इल्मी व तारीखी तसानीर से होता है। अमीर खुसरो की मशहूर मसनवी हश्त बिहश्त का तर्जुमा मलिक खुशनूर ने 1065 हिजरी में मुकम्मल किया। निज़ामी की हफ्त पैकर का तर्जुमा बहराम व बुलंदान के नाम से 1081 हिजरी में तकमील को पहुंचा। सबरस जिसका सन तसनीफ 1635 ईस्वी है उर्दू में अदबी नसर का पहला नमूना है जिसे फत्ताही नेशापुरी की तसनीफ दस्तूर शाह के नसरी खुलासे किस्से हुस्न दिल का समर उर्दू कहा जाता है। मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद अंग्रेज़ों की आमद के साथ ही अंग्रेज़ी से मुकामी ज़बानों में तर्जुमों का सिलसिला शुरू हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज़ी से किसी किताब का तर्जुमा उर्दू में नहीं हुआ लेकिन अरबी, फारसी और संस्कृत ज़बानों से कई तराजम ज़रूर हुए। अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा शुदा पहली किताब बेंजामिन शिल्लर की इंजील मुक़दस है जो 1740 ईस्वी में शाया हुई। इसके बाद मिर्ज़ा फितरत ने दिलहेज़ की मदद से 1805 ईस्वी में इंजील के अहद जदीद का तर्जुमा पेश किया। 19वीं सदी में शुमाल हिंदुस्तान में यूरोप के इल्मी वर्से को उर्दू में मुंतकिल करने का अमल बाकायदा तौर पर वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के जरिए शुरू हुआ। ये सोसाइटी 1842 ईस्वी में कायम हुई। मास्टर रामचंद्र और मौलाना सहबाई इस अंजुमन के रूह रवां थे। इस सोसाइटी की तर्जुमा शुदा किताबें तलबा के लिए बहुत मुफीद साबित हुई। इन तराजुम से एक तरफ तो उर्दू नसर बहुत साफ सादा और बेतकल्लुफ हो गई तो दूसरी तरफ मगरबी उलूम के साइंसी और फलसफियाना अफकार हिंदुस्तानी तलबा को बराह रास्त वाकफियत हासिल हो गई। इस सोसाइटी के क़याम से पहले उर्दू ज़बान दक्कन और दिल्ली में तरक्की की कई मंजिलें तय कर चुकी थीं लेकिन जहाँ तक नस्ल का ताल्लुक है उस वक्त ये अभी इब्तदाई हालत में थी। गो फोर्ट विलियम कॉलेज के अदीब इस सिलसिले में कुछ काम कर चुके थे मगर ये काम महदूद और काबिल एतना नहीं था। ज़बान को सादा और कारामद बनाने का काम जो मीर अमन, शेर अली अफसोस, रजब अली बेग सुरूर, काजिम अली जवान, हैदर बख्श हैदरी और इकराम अली के हाथों शुरू हुआ था दिल्ली कॉलेज में पाए तकमील को पहुंचा। इसके बाद उमरा और नवाबीन ने जो जदीद उलूम की इशात और फरोग में दिलचस्पी रखते थे तर्जुमों की सरपरस्ती की जैसे हैदराबाद के नवाब
फखरुद्दीन शमशुल उमरा और शाहाने अवध की कोशिशों से बाज रिसाले शाया हुए, जिनमें रिसाला कसूरात आशारिया, रिसाला हैयत, रिसाला जब सखील, रिसाला उलूम तबिया, रिसाला कुव्वत मकनातीस, रिसाला इल्मुल हरारा और रिसाला इल्मुन नाज़िर खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन उलूम फ़ुनून के तर्जुमों की सबसे मुनज़्ज़म और बाज़ाबिता कोशिश जामिया उस्मानिया हैदराबाद के क़याम 1917 ईस्वी के बाद शुरू हुई, क्योंकि जामिया उस्मानिया ने ज़रिए तालीम उर्दू को करार दिया था, इसलिए यहाँ सर रिश्ते तालीम और तर्जुमा कायम हुआ, जिसके तहत 500 के करीब किताबें तर्जुमा हुई। ये किताबें आर्ट्स और साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा तकरीबन तमाम जदीद उलूम पर हावी थी। हिंदुस्तान की किसी भी जबान में आला तालीम देने का ये पहला तजुर्बा था जो बहतियत से मजमुई कामयाब रहा। उर्दू में सबसे बड़ा सरमाया अरबी तराजिम का है। कुरान करीम के अलावा तफसीर व अहदीस के तराजिम का एक बड़ा ज़खीरा भी उर्दू में मुंतकिल हो चुका है। अरबी चूंकि इल्म व फन की जबान है, इसलिए इसका असर इतना गहरा और दीर्घा है कि इसने बेशतर जबानों को अपनी तहजीब के साथ साथ मगलूब किया है। फारसी जबान की पूरी तरबियत अरबी के जेर साए हुई और फारसी ने उर्दू की सरपरस्ती की। कुरान इस्लाम का असल उसूल है, इसलिए इस अहम तरीन सहीफ़ आसमानी के मफाहिम को अवाम तक पहुँचाने के लिए हमेशा अंतक मेहनत की जाती रही। यही वजह है कि उर्दू में कुरान करीम के सैकड़ों तराजिम देखने में आते हैं। हमारे उलमाए किराम ने उर्दू में कुरान करीम के तराजिम और तफासिर का जो बेश कीमत सरमाया फराहम किया है, उसका अंदाज़ा सैयारा डाइजेस्ट पाकिस्तान के कुरान नंबर में शामिल फहरिस्त से लगाया जा सकता है, जिसे मोहम्मद आलम मुख्तार हक ने बड़ी मेहनत से मुरतब किया है। इस फहरिस्त के मुताबिक मुकम्मल तराजिम व तफासिर की तादाद 297 है और गैर मुकम्मल की तादाद 366 है। कुरान मजीद के उर्दू तराजिम में तारीखी तरतीब के लिहाज से शाह मुरादुल्ला अंसारी की तफसीर मुरादिया को पहला तर्जुमा कहा जा सकता है, जो 1185 हिजरी की तसनीफ है, जिसमें कुरान मजीद के आखिरी पारे का तर्जुमा और तफसीर मिलती है। उर्दू में कुरान मजीद के मुकम्मल तराजिम में शाह अब्दुल खादर की तफसीर और तर्जुमा कुरान मजीद मौजूल कुरान का वलियत हासिल है। ये 7 जिल्दों पर मुश्तमल है। मैं आगे की तफसील सरफ नज़र करते हुए आगे बढ़ता हूँ। हदीस की तराजिम कुरान के बाद उर्दू के दामन में हदीस का जो सरमाया महफूज है, इसका मुकाबला इल्म अदब का कोई दूसरा मौजू नहीं कर सकता। हदीस की किताबें उर्दू में इतनी मकबूल हुई कि असालीब की तब्दीली के साथ हर बार एक नए तर्जुमे की जरूरत महसूस हुई, जिसके नतीजे में सिर्फ बुखारी शरीफ के एक दर्जन से भी ज्यादा उर्दू तर्जुमे किए गए और तर्जुमा एक दूसरे से बलहज़ उसलूब मुनफरिद रहा है। उर्दू ने हदीस के जरिए एहसान और हुस्न सलूक, अकुओ दरगुजर, सखावत सदाकत, सब्र इस्तेकामत, इंसान दोस्ती और मसावात और हुकूक़ लिबाद जैसे मौजूआत को आम किया और एक सेहतमंद माशरे के तहफ़्फ़ुज़ वफ़ा के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। बुखारी शरीफ के तराजिम के साथ साथ सियासीता के दीगर मजमुओं को भी उर्दू में मुंतकिल किया गया। मिश्कात शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, मुअत्ता इमाम मालिक, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, मसनद इमाम मुस्लिम, किताबुल आसार और किताबुल साहिलीन उर्दू के चंद मुंतखब तर्जुमे हैं। कुरान और हदीस के बाद तारीख और सीर को फौकियत हासिल रही। उर्दू में सीरतुन्नबी पर एक गिरामाया ज़खीरा मौजूद है, लेकिन मौलाना शिबली की सीरतुन्नबी और ज़माने हाल में नईम सिद्दीकी की तसनीफ मोहसिन इंसानियत को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। शाह वलीउल्लाह की हुज्जतुल बालिगा और क़सीदा बुर्दा शरीफ अब उर्दू में भी दस्तियाब हैं। ये उर्दू की जामियत और हर दिल अजीज़ी है के मसनवी मौलाना रोम और सादी की गुलिस्तान बोस्तान के कई तराजिम उर्दू में शाया हो चुके हैं। उर्दू ने मशरक़ी उस्ता के अफकार व अकायद की नशात में भी अहम रोल अदा किया है और यह फ़ख्र यहाँ किसी दूसरी जबान को हासिल नहीं है। वेद, कुरान, उपनिषद, गीता, महाभारत और रामायण के अलावा दीगर अखलाकी और मजहबी तसानीफ के काबिल ज़िक्र उर्दू तराजिम 1861 से मिलने लगते हैं। उर्दू में यूँ तो दूसरी जबानों से तर्जुमा का काम बहुत पहले शुरू हो चुका था, लेकिन मगरबी अदब से मुख्तसर अफसानों के तर्जुमों की नौबत बहुत देर में आई, जब लाहौर से मखज़न, कानपुर से ज़माना, आगरा से निगार,
دلی سے سلائیام وغیرہ نکلنے شروع ہو گئے تو یوروپی افسانوں کے ترجمے بھی ان میں شائع ہونے لگے۔ ان ترجموں کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کے اثر سے خود اردو کے ادیب افسانہ نگاروں کی اردو کے ادیب افسانہ نگاری کی طرف مائل ہوئے۔ شروع میں ظفر علی خان، سجاد حیدر ایندرم، نیاز فتح پوری نے مختلف زبانوں سے افسانوں کو اردو میں منتقل کیا، لیکن 1930 کے بعد کئی اچھے لکھنے والے باقاعدہ افسانے اور افسانوں کے ترجمے کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان مترجمین میں خواجہ منظور حسین، حامد علی خان، جلیل قدوائی، معشر بدایونی، فضل اللہ قریشی، اختر حسین رائے پوری، حاجی عبدالغفار، مجنو گورکھپوری اور اعظم کریوی نے روسی، فرانسیسی، جرمنی، انگریزی اور ہندی ترجموں کو اردو کا جامن پہنایا۔ خواجہ منظور حسین اور جلیل قدوائی نے روسی افسانہ نویسی چنجوف کے یہاں سے، اعظم کروی نے ہندی سے اور مجنو نے انگریزی کہانیوں اور خاص کر ہارڈی کی کہانیوں پر اپنے افسانوں کی عمارت کھڑی۔ میں بہت ساری تفصیلات جو شاعری کی ہیں ان کو بھی حذف کرتے ہوئے آخری پیراگراف کی طرف آتا ہوں۔ اس لیے یہ کہنا درست معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ادب کے سرمایہ کی قدر و قیمت بین الاقوامی زبانوں کے ادبی سرمایہ کی مدد سے ہی کی جا سکتی ہے۔ زبان و ادب کے ارتقاء میں ترجموں کی اہمیت کا اندازہ ڈاکٹر قمر رئیس کے اس قول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے درمیان باہمی ارتباط و اتحاد اور یگانگت کی راہ میں جو سب سے اہم فطری رکاوٹ حائل رہی ہے شاید زبانوں کا فرق ہے۔ اس فرق کو مٹانے اور انسان کے علم و عرفان اور ادب کو بنی نوع انسان کی مشترکہ میراث بنانے میں ترجمے نے جو اہم اور نتیجہ خیز رول ادا کیا ہے، انسانی تہذیب کی تاریخ کا ہر وقت اس کا گواہ ہے۔ ترجمے نے ایک ہی قوم کے ذخیرہ علم و ادب کو دوسری قوموں تک پہنچایا ہے۔ ایک انسانی گروہ کے تجربات سے دوسری جماعتوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ انسانی علوم کو فروغ دینے میں جہاں اور بہت سے اسباب و عوامل رہے ہیں، وہاں ترجمہ بھی ایک طاقتور محرک کا رول ادا کرتا ہے۔ انکوٹ۔ الغرض ترجمے کے بغیر آج کوئی زبان جدید اور ترقی پذیر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور ترجمے نے ہی نسلوں اور قوموں کے درمیان حائل بہت سی دیواروں کو نہ صرف توڑا ہے بلکہ اس نے ہر عہد میں نئے افکار و نظریات کو ایک قوم سے دوسری قوم تک پہنچایا ہے، ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے روشناس کرایا ہے۔ ترجمے کے ذریعے ہی ایک زبان دوسری زبان کے اظہارات، اس کے مزاج اور اس کی نحوی ساخت سے متعارف ہو کر اپنا رنگ روپ بدلتی اور عصمت حاصل کرتی ہے۔ اردو والوں کے لیے ترجمہ محض ایک چیلنج نہیں، زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر ہم علمی آگہی اور عالمی بصیرت کو اردو میں منتقل نہیں کریں گے تو ہم عالمی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، اور ایک غیر مفید ناکارہ اور مردہ زبان بن کر رہ جائے گی۔ اور مجھے یقین ہے کہ اردو میں ترجمے کی پوری روایت گواہ ہے کہ اس چیلنج کو قبول کر سکتی ہے اور اس سے عہدہ برا بھی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔